फिल्म वेलकम और वेलकम बैक को लेकर के अनिल कपूर की एक अलग छवि देखने के लिए मिली थी। वेलकम में अनिल कपूर ने जिस तरीके से मजनू भाई का किरदार निभाया था, फैंस को वो किरदार बिल्कुल सटीक लगा। मजनू भाई के किरदार में अनिल कपूर छा गए थे। नाना पाटेकर का भी किरदार सभी को पसंद आया था, लेकिन इस बार जो खबर सामने आ रही है वो फैंस के लिए थोड़ी चौंकाने वाली है और साथ ही निराश करने वाली भी। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले ही वेलकम 3 का जिक्र हुआ है, यानी कि वेलकम 3 की घोषणा की गई है। फिल्म के मेकर्स ने वेलकम टू द जंगल के नाम से इसकी अगली फ्रेंचाइजी का ऐलान किया है, जो क्रिसमस में 2024 में रिलीज की जाएगी। लेकिन इस बार अक्षय कुमार इस फिल्म में शामिल तो होंगे, लेकिन नाना पाटेकर और अनिल कपूर नजर नहीं आएंगे। वेलकम 3 में अक्षय कुमार के साथ उदय भाई का किरदार संजय दत्त और मजनू भाई का रोल अरशद वारसी निभाएंगे। लेकिन आखिर क्यों वेलकम 3 का हिस्सा बनने से अनिल कपूर ने इनकार कर दिया, ये सबसे बड़ी वजह है। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आई है कि अनिल कपूर ने वेलकम के निर्माता को बड़ा झटका दिया है। दरअसल अनिल कपूर ने फेस इतनी महंगी कर दी है, जिसकी वजह से मेकर्स चाह करके भी उन्हें नहीं ले पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अनिल कपूर और नाना पाटेकर के बिना वेलकम नहीं हो सकती। उन्हें सबसे पहले फिल्म की पेशकश की गई थी, लेकिन बातचीत असफल रही। निर्माता फिरोज नाडियावाला ने तो इस पूरे मामले में अनिल कपूर से काफी मुलाकात की, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें, अनिल कपूर ने वेलकम 3 के लिए 18 करोड़ रुपए की मांग की है। 18 करोड़ रुपए की मांग करने को लेकर के ये बड़ा दावा किया गया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अनिल कपूर इस फिल्म में नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से आगे खबर ये भी आ रही है कि अनिल को लगा कि मजनू की वजह से वेलकम एक बड़ी फिल्म है, तो तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार के शामिल होने से फिल्म और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। उन्हें लगा कि वो जो पैसे मांग रहे हैं वो उनके हकदार हैं, क्योंकि तीसरा पार्ट भारत में 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन जब फिरोज ने इनकार कर दिया तो अपनी मर्जी से फिल्म से वो बाहर हो गए। अक्षय कुमार ने भी इस पर साइन कर दिया है। आपको बता दें कि अनिल को वापस लाने की कोशिश की गई थी, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है, लेकिन अनिल कपूर अपनी 18 करोड़ रुपए की फीस पर अड़े रहे, जिसकी वजह से अब अनिल कपूर और नाना पाटेकर इसका हिस्सा नहीं होंगे।